বুদেও জো পিএসসি মা হোগে বাবাল দিন রাত পড়না হে মজা বো ধমাল কাবর লে থসরে টেনশন আরে কাবর লে থসরে টেনশন জব অফসর বনকে তে ঘর পে ধমাল ये कैसे होगा सर हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं मिसेस अनु रॉय आप सभी बच्चों का कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। लैंग्वेज मंत्रा के अंतर्गत दूसरी भाषा छत्तीसगढ़ी बोली का व्याकरण लेकर आज हम उस टॉपिक को कवर करेंगे जो छत्तीसगढ़ बोली की प्रमुखता को प्रदर्शित करेगा। यानी कि पहले जो आपके लेक्चर वीडियो थे इसके अंतर्गत आपने जाना कि छत्तीसगढ़ी की भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ, छत्तीसगढ़ी भाषा का आर्य भाषा में स्थान क्या है, छत्तीसगढ़ी की सहचरी बहने कौन है, छत्तीसगढ़ का नामकरण का आधार क्या रहा है और छत्तीसगढ़ में कितने भाषा परिवार प्रयोग किए जाते हैं। और आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम कवर करने वाले हैं छत्तीसगढ़ी बोली और उसका वर्गीकरण, साथ ही छत्तीसगढ़ में प्रयोग होने वाली लिपि और राजभाषा आयोग। अब लिपि की यदि बात की जाए तो क्या छत्तीसगढ़ की कोई लिपि है, क्योंकि अगर कोई बोली लिखित रूप धारण करती है तब तो उसे भाषा का दर्जा दिया जाता है, अगर साहित्यिक महत्व की रचनाओं के लिए प्रयोग होती है तो साहित्यिक भाषा यानी कि उपभाषा या विभाषा बन जाती है। तो जब अवधि साहित्य की भाषा बन गई तो छत्तीसगढ़ ही क्यों नहीं बनी। लेकिन देखने वाली बात है कि 19वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ में लेखन की शुरुआत तो हुई थी, परंतु लिपि कौन सी थी और किस प्रकार की लिपि का प्रयोग छत्तीसगढ़ में किया जाता है और साहित्यिक भाषा के तौर पर छत्तीसगढ़ राज्य के पृथक होने के बाद में अस्तित्व में उभरने से लोगों को लगता है कि सन 2000 के बाद से छत्तीसगढ़ी में लेखन का कार्य शुरू हुआ है, परंतु इसके वास्तविकता की बात की जाए तो 19वीं शताब्दी में इसमें लेखन का कार्य जो है वो शुरू हो गया था। इससे एक बोली से भाषा बनाने के लिए जैसे हिंदी केंद्रीय निदेशालय है, इसी प्रकार आपकी देवनागरी में आपकी नागरी प्रचारणी सभा है, इसी प्रकार हिंदी राजभाषा आयोग है, वैसे छत्तीसगढ़ी को भी भाषा का दर्जा दिलाने के लिए राजभाषा आयोग की स्थापना की गई थी। राजभाषा आयोग के उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, क्या क्या कार्यक्रम है जो किए जाते हैं, इसके अध्यक्ष कौन है, सम्मेलन कहाँ होते हैं, इन सब की चर्चा आज के लैंग्वेज में हम आपके टॉपिक के माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बोल कि छत्तीसगढ़ एक बोली है, छत्तीसगढ़ ही एक बोली है, इसे अभी तक संविधान की 8वीं अनुसूची में लिखित दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है, इस वजह से इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त न होने की वजह से आज भी बोली माना जाता है। इस छत्तीसगढ़ ही बोली के अंतर्गत जो भाषा परिवार में मुंडा भाषा है, उसी प्रकार द्रविड़ भाषा परिवार है, उस आधार पर देखा जाए तो इस बोली के अंतर्गत लगभग 93 प्रकार की उप बोली का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। यानी कि छत्तीसगढ़ एक मुख्य बोली है, छत्तीसगढ़ ही एक मुख्य बोली है जिसके अंतर्गत 93 टाइप्स ऑफ सब डायलेक्ट यूज किए जाते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा प्रयोग किसका होता है, तो सबसे ज्यादा प्रयोग हमारी छत्तीसगढ़ ही बोली का होता है, इसके बाद में हल्बी का प्रयोग होता है और मैदानी क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो आर्य भाषा का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। और इस तरह छत्तीसगढ़ की बोली के वर्गीकरण से पहले हम यहाँ की भाषा बोली को अगर हम जानते हैं तो इसका क्षेत्रीयता के आधार पर वर्गीकरण सबसे पहले किया गया था सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा। उन्होंने बस्तर में बोले जाने वाले छत्तीसगढ़ी को, बस्तरी छत्तीसगढ़ी को उन्होंने छत्तीसगढ़ के वर्गीकरण में नहीं रखा, क्योंकि उनके अनुसार इस बस्तरी पर थोड़ा सा मराठी का प्रभाव जो है वो पड़ता है। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ की उड़िया और मराठी का एक मिश्रित छत्तीसगढ़ी को बताया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का राज्य जिस सीमा दायरे को छूता है वहां की बोली भाषा के शब्दों का मिश्रण यहाँ की छत्तीसगढ़ी में सुनने को और प्रयोग करने को देखने को मिलता है।
खलता है। और इसी तरह तो है कि पश्चिम की ओर की छत्तीसगढ़ी को खलताही और पूर्व की छत्तीसगढ़ी को लरिया के नाम से पुकारा जाता है। दूसरा वर्गीकरण छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर के नामकरण करने की यानी उसकी पृथक्यता का मूल आधार शिवनाथ नदी को माना और शिवनाथ नदी के आधार को मानते हुए संभाग के अनुसार रायपुरी छत्तीसगढ़ी और बिलासपुरी छत्तीसगढ़ी के नाम से उसे पुकारा गया। दूसरी बात सरगुजिया और सदरी कोरवा ये कहने के पीछे उसके विभाजन का आधार पर्वत श्रृंखला माना को माना गया था और बैगानी बिंजवारी भूलिया लरिया अगर भूलिया और इसी प्रकार पंडो कहता है इसी प्रकार सतनामी छत्तीसगढ़ी कहता है तो इसका आधार जातिगत माना जाता है। तो खलताही और बस्तरी का वर्गीकरण कहीं ना कहीं प्राकृतिक आधार को भी लेकर माना गया है। इस तरह देखा जाए तो 93 टाइप्स ऑफ सब डायलेक्ट बोले जाते हैं लेकिन अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के अंदर केवल 93 प्रकार की बोलियां नहीं है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 162 प्रकार की भाषा और बोली दोनों का मिश्रण पाया जाता है। जैसे कि आर्य भाषा में 87% आर्य भाषा का प्रयोग होता है, द्रविड़ भाषा के 19% हिस्से का प्रयोग, मुंडा भाषा के 16% हिस्से का प्रयोग, विदेशज शब्दों की 18% का प्रयोग और अवर्गीकृत माने कि जो दूसरे राज्य से प्रभावित होकर छत्तीसगढ़ी में लिया जाता है कुल मिलाकर 162 प्रकार की बोली और भाषा मिश्रित रूप में छत्तीसगढ़ के अंदर प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक प्रयुक्त बोली छत्तीसगढ़ ही मानी जाती है। इसी प्रकार जनजाति के आधार पर हल्बी जो बस्तर में बोली जाती है और इसी प्रकार देखा जाए तो बस्तर में इसे बस्तरी कहते हैं ठीक है और जाति के अनुसार इसे हल्बी के नाम से पुकारा जाएगा और मैदानी इलाकों में आर्य भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। तो छत्तीसगढ़ की बोलियों को जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ क्या कहा गया जातिगत आधार स्थान के आधार पर और बाह्य भाषाओं के आधार पर। तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत हमें बहु मिश्रित रूप सुनने को मिलते हैं जिन जिन स्थान में व्यक्ति रहता है जिस जाति से वो बिलोंग करता है और जिस राज्य की सीमा दायरे को छूता है इस आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली का 3 रूप देखने को मिलता है। एक तो जातिगत, इस जातिगत के अंतर्गत वे व्यक्ति आते हैं जो अपनी जाति के अनुसार अपने आप को पहचान देना पसंद करते हैं, कुछ ऐसे आते हैं जो अपने स्थान विशेष को पहचान देना पसंद करते हैं तो स्थानगत हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने राज्य की सीमा दायरे से जुड़े हुए बाह्य भाषा से प्रभावित हैं। अब बाह्य भाषा से प्रभावित हैं तो पश्चिम की ओर है खलताही, पूर्व की ओर है आपकी लरिया ठीक है। इसी प्रकार जातिगत कहा जाए तो सतनामी पंडो बैगानी अगर कहता है, बिंजवारी कहता है, पारधी या शिकारी कहता है और अगर इसी प्रकार स्थान का कहते तो बिलासपुरी रतनपुरी जशपुरी सरगुजिया कहता है और इस आधार पर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 3 प्रकार के रूप से यहाँ छत्तीसगढ़ी का प्रयोग होता है। केंद्रीय छत्तीसगढ़ी में क्या आएगा, केंद्रीय छत्तीसगढ़ी में वो क्षेत्र विशेष आएगा जो दूसरे राज्य के सीमाओं को छोड़कर पूरी तरह से छत्तीसगढ़ अंचल के आंतरिक भाग में प्रयोग जो है वो किए जाते हैं। इसी प्रकार पश्चिम की तरफ जैसे ही हम जाते हैं दुर्ग राजनांदगांव से जहां पर खलताही का नाम लिया जाता है तो खालहे छत्तीसगढ़ी में नीचे को कहा जाता है और माना जाता है जो बहुत अधिक उपज वाली जमीन होती है उसे खलताही कहते हैं। तो मध्य प्रदेश जो छत्तीसगढ़ का ऊपर का हिस्सा है उनके द्वारा ये नाम जो है दिया गया कि अधिक उपज वाली जमीन जो नीचे का क्षेत्र है जहां धान की पैदावार फसलों की पैदावार ज्यादा होती है जो धान का कटोरा कहलाती है तो इसे खलताही खलौटी खलवटी के नाम से पुकारा जाता है जिसमें मराठी बुंदेली और बघेली का प्रभाव देखने को मिलता है। पूर्व की ओर अगर हम जाते हैं तो उड़िया यानी कि उड़ीसा क्षेत्र ऐसा है छत्तीसगढ़ का राज्य अगर सबसे ज्यादा किसी सीमा को छूता है तो वह है उड़ीसा, इसलिए उड़िया मिश्रित छत्तीसगढ़ी को लरिया के नाम से पुकारा जाता है। इसी प्रकार कलंगा जिसमें उड़िया का प्रभाव है, कालंजिया जिसमें भी उड़िया का प्रभाव है, जो आपका गोरो है ये पश्चिम बंगाल में पहुंचा हुआ एक बैगा जनजाति का व्यक्ति है जिसकी छत्तीसगढ़ी में आपकी बांग्ला का शब्द जो है मिक्सअप हो जाते हैं। गौरिया जो असम के चाय बागान में पहुंचा हुआ व्यक्ति है जिसकी छत्तीसगढ़ी में असमिया के प्रभाव आ जाते हैं। तो पूर्व की ओर से देखा जाए तो लरिया है, कलंगा है, कालंजिया है, गोरो है और गौरिया है। लेकिन
कवर्धा में रहने वाला व्यक्ति खुद को कवर्धाई कहलाना पसंद करता है। कांकेर एक रियासत होने की वजह से जहां मशहूर आदिवासी बोली हल भी प्रयोग होती है, लेकिन फिर भी लोग अपने आप को कांकोरी छत्तीसगढ़िया कहलाना पसंद करते हैं। साथ ही है खैरागढ़, जो संगीत विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है, और खैरागढ़ में रहने वाले लोग खुद को खैरागढ़िया बोलते हैं और उनकी छत्तीसगढ़ी को खैरागढ़ी छत्तीसगढ़ी कहा जाता है। इसी प्रकार एक जाति है जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र घूम घूम कर अपनी जीविका चलाती है, विशेष प्रकार की उनकी छत्तीसगढ़ी हो जाती है या उन विशेष प्रकार की बोली उनके द्वारा इजाद की जाती है, तो वो नट प्रजाति को जिसे डंगचगहा या हमारे लिए डंगचगही या नट या नटी छत्तीसगढ़ी के नाम से पुकारा है। धमधा, जहां पर थोड़ा सा मराठी का मिक्सअप आपके दुर्ग के बाद से शुरू हो जाता है। राजनंद गांव में रहने वाला व्यक्ति खुद को नांद गैया कहलाना पसंद करता है, और कहा जाता है कि जो यहाँ पर नागवंशी व्यक्ति थे, कुछ लोगों ने एक रिपोर्ट पेश की थी, उसमें कई लोगों के द्वारा कहा गया था कि जो नागवंशी व्यक्ति थे उनके द्वारा भी जिस बोली भाषा के प्रयोग थे वो कोई और नहीं थे बल्कि वो छत्तीसगढ़ी का प्रयोग करते थे। बिंझवार एक जाति विशेष है जो अपनी पहचान देता है। इसी प्रकार आपके बालाघाट की ओर रहने वाले ऐसे व्यक्ति हैं जो फूल या सब्जियों का व्यवसाय करते हैं तो जाति विशेष को प्राथमिकता देते हैं। सतनाम पंथ को मानने वाले व्यक्ति समाज में समान अधिकार प्राप्त करने के लिए खुद को अपनी जाति के आधार पर प्रदर्शित करना चाहते हैं, इसलिए सतनामी बन जाते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो पंडो, पनकी की बात की जाए तो पंडो, जहां पर उत्तर की ओर से थोड़ा सा आपका भोजपुरी अगर का प्रभाव पड़े तो पनकी एक जाति विशेष जो मराठी के अंतर्गत रखी जाती। बहेलिया, जो शिकारी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं जिन्हें पारधी भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ अंचल के शिकारी जाति का व्यक्ति बहेलिया और पारधी का प्रयोग करता है। बिलासपुर एक ऐसा क्षेत्र विशेष है जो हमारे लिए आपकी औद्योगिक संस्थान जिस तरह रायपुर में है वैसे ही हमारे लिए SACL कहा जाए या हमारे लिए कुछ विशेष प्रकार के प्रयोग देखने NTPC कहा जाए, रेलवे का एक विशेष प्रभाव देखने को मिले, तो बिलासपुर क्षेत्र ऐसा है जहां पर मराठा शासक भी आए थे रतनपुर में, जहां पर हमारे लिए आपके मराठी का मिक्सअप वहां पर रतनपुर की ओर देखने को मिलता है। भोसला जो देख रहे थे बिंबराव भोसले का एक वहां पर बसाया हुआ गाँव देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पर आर्य भाषाओं के विशेष प्रभाव देखने को मिलते हैं, इसलिए स्थान को प्राथमिकता देकर दूसरी बार हिंदी साहित्य के लिए जो विशेष प्रयोग किए जा रहे थे तो बिलासपुर से कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में और आपके साहित्यिक जगत में योगदान दिया, इस सभी खूबियों से ये खुद को बिलासपुरिया कहलाना पसंद करते। इसी प्रकार बैगा जाति से बनती है बैगानी, उसी प्रकार भूलिया सरायपाली जो उड़ीसा का प्रवेश द्वार मानी जाती है, बुनकर जाति के लोगों के द्वारा उड़िया मिश्रित छत्तीसगढ़ी का प्रयोग होता है क्योंकि जाति भूमिया या भुंजिया के द्वारा प्रयोग से भूलिया छत्तीसगढ़ी कहलाता है। इसके अलावा है रतनपुर। वर्तमान समय में हम साहित्य आपके सांस्कृतिक राजधानी हम किसको मानेंगे, राजनांदगांव को वर्तमान में माना जाता है, लेकिन ऐतिहासिकता के आधार पर रतनपुर को छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी कहा जाता था। कहते हैं इस समय संस्कृत की शिक्षा को देने के लिए प्रकांड पंडितों को राजाश्रय में स्थान जो है दिया गया था, तो रतनपुर में जो राजाश्रित कवि थे उस राजाश्रित कवियों को जब संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी तो बड़े बड़े पंडित भी अपने बच्चों को वहां संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा करते थे और उनकी आड़ में अपनी संस्कृत को सुधारा करते थे। और संस्कार धानी रतनपुर जो है अपनी आपकी पुरातत्व के हिसाब से भी अपनी विशेष पहचान बनाती है, जो वंश के प्रभाव से जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में रतनपुर में जो सांस्कृतिक धरोहर की वजह से संस्कार धानी से रतनपुरिया के नाम से पुकारते। इसी प्रकार रायपुर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की वजह से रायपुर जो एक समय हमारे लिए आपके प्रशासन का केंद्र रहा रतनपुर रायपुर, तो इस वजह से यहाँ पर रायपुरिया के नाम से पुकारा जाता है। जिस तरह बहेलिया है वैसे ही है शिकारी। सदरी कोरवा जो यहाँ आर्यों की तरह रहते थे, सदरी सदान टिक्कोबाजी जिसमें थोड़ा सा अवधि का थोड़ा सा भोजपुरी का इसका प्रभाव मिश्रित रूप से छत्तीसगढ़ी में देखने को मिलता है। इसी प्रकार सरगुजा के क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति सरगुजिया कहलाना पसंद करता है। जो हलबा जाति है ये हलबा जाति खुद को अपनी जनजाति की प्राथमिकता जो इनका संबंध हल से संबंधित और कृषि से संबंधित माना जाता है, जो आर्य की तरह यहाँ रहे हैं इसलिए हलबी के नाम से पुकारा जाता है। दक्षिण छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कुछ अड़कुड़ी या अड़कुड़ी है। जब जनगणना पेश की गई थी आजादी से पहले तब इस समय इनकी संख्या यानी कि जो दक्षिण छत्तीसगढ़ में कहीं 50 कहीं 1500 कहीं 2000 कहीं 500 इतनी ही मानी जाती थी, लेकिन
लेकिन अगर आपकी नाहरी कहता है, इसी तरह चंदारी या चंडारी कहता है, जोगी धाकड़ मिर्गानी कहता है, इसी प्रकार बस्तरी। अब जिस तरह कांकेर में हल्बी का प्रयोग है तो बस्तर में रहने वाला व्यक्ति खुद को बस्तरिया के नाम से पुकारना पसंद करता। और इस आधार पर तीन रूप देखा कि यहां रहने वाले व्यक्ति ने किसी ने अपने जाति को प्राथमिकता दी, किसी ने अपने राज्य के स्थान को प्राथमिकता दी, तो किसी दूसरी भाषा के प्रभाव से प्रभावित रहा। और इस तरह छत्तीसगढ़ के दायरे के अंतर्गत हमारे नाम है तो जितने राज्य की सीमा को छूता है उसकी बोली भाषा का प्रभाव छत्तीसगढ़ी में देखने को मिलता है। जैसे कि उत्तर से देखा जाए तो भोजपुरी, बघेली और मगही का प्रभाव है। दक्षिण में आपके तेलुगु के साथ में गोड़ का प्रभाव है। पूर्व में उड़िया का और पश्चिम में मराठी का प्रभाव है। उत्तर पूर्व की ओर जाते हैं तो झारखंड का प्रभाव देखने को मिलता है और उत्तर पश्चिम में बुंदेली का प्रभाव देखने को मिलता है। मिश्रित रूप में यहाँ छत्तीसगढ़ी है जो प्रयोग की जाती है तो प्राचीन काल के समय श्रीपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी हुआ करती थी। इससे जितने भी प्रशासनिक कार्यों का संपादन होता था उसमें छत्तीसगढ़ ही में रायपुर की जनभाषा को हम उस समय की प्रशासनिक शब्द के तौर पर प्रयोग करते थे। मध्यकाल में रतनपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाया गया, यानी कि केंद्र बनाया गया। इसलिए रतनपुर की बोली अर्थात बिलासपुर से परिनिष्ठित होकर उसका इस्तेमाल प्रशासनिक कार्यों के लिए होता था। लेकिन आधुनिक काल में जब स्वतंत्रता का समय आया तो बिलासपुर की अपेक्षा स्वतंत्रता आंदोलन में रायपुर की प्रमुखता के कारण रायपुरी जो है वो परिनिष्ठित भाषा के तौर पर प्रयोग होती थी। और वर्तमान में मानक रूप में छत्तीसगढ़ी में हम रायपुर के छत्तीसगढ़ी को मानक रूप में हम इसका इस्तेमाल जो है वो करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको किस रूप में हम जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, छत्तीसगढ़ की बोलियों को कितने वर्गों में बांटा है। तो सबसे पहली बात कि छत्तीसगढ़ की बोलियों को बांटने का आधार क्या रहा। छत्तीसगढ़ की बोलियों का आधार ग्रियर्सन के अनुसार क्षेत्रीयता रही, उसी प्रकार आपकी पर्वत श्रृंखला माला रही, जातिगत आधार रही और नदी को आधार मानकर उन्होंने संभाग को आधार मानकर वर्गीकरण किया था। परंतु नरेंद्र देव वर्मा चूंकि आपके जो सर जॉर्ज ग्रियर्सन है उन्होंने कह दिया कि लरिया और खल्टाही कोई और छत्तीसगढ़ी नहीं है बल्कि मैं दोनों को छत्तीसगढ़ी का एक रूप मानता हूं। उन्हीं का अनुकरण करते थे भालचंद्र राव तैलंग। जब उन्होंने छत्तीसगढ़ी व भत्री बोलियों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन लिखा तब भालचंद्र राव तैलंग ने उसके बातों का समर्थन करते हुए कुछ अन्य नामों को उसमें मिश्रित कर दिया। सुदीप चटर्जी जो हैं उनके द्वारा अगर देखा जाए तो सुदीप चटर्जी है जिन्होंने उसमें एक और नया वर्गीकरण कर दिया था। और इस तरह देखा जाए तो हल्बी को, लरिया को और केंद्र को सबको आधार मानकर उसमें तीनों को आधार माना। तो नरेंद्र देव वर्मा ने छत्तीसगढ़ी बोली और उपभेल बोली के जो ग्रियर्सन के द्वारा नदी का पृथककरण करके बिलासपुरी और रायपुरी को आधार किया था, नरेंद्र देव वर्मा ने भी शिवनाथ नदी को माध्यम मानकर बिलासपुरी और रायपुरी को अलग कर दिया। और इसके आधार पर जब उन्होंने जो 1969 में जनगणना हुई थी उसको आधार मानकर उन्होंने 1979 में छत्तीसगढ़ी भाषा का जब उद्विकास लिखा था तो उसके अंतर्गत 1961 में जो जनगणना हुई थी 1961 में जो जनगणना हुई थी उसको आधार मानते हुए 1979 में छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास जब उन्होंने लिखा तो उन्होंने उसमें अन्य नामों को जोड़कर सबसे पहले उन्होंने उसके अंतर्गत 16 मातृभाषाओं को स्थान दिया, इसके बाद 10 उपबोलियों को उसमें मिलाया, उसके बाद में धीरे धीरे मिलाते हुए उन्होंने इसके 5 वर्गीकरण कर दिए। कितने वर्गीकरण कर दिए, 5 वर्गीकरण किया। तो नरेंद्र देव वर्मा के अनुसार जो छत्तीसगढ़ का पंचमुखी वर्गीकरण है तो जितने भी जातिगत, बाह्य भाषा से प्रभावित और स्थानगत छत्तीसगढ़ी ही है उसके आधार पर नरेंद्र देव वर्मा ने इसे 5 वर्ग में बांटा। केंद्रीय छत्तीसगढ़ी, पश्चिमी छत्तीसगढ़ी, उत्तरी छत्तीसगढ़ी, पूर्वी छत्तीसगढ़ी और दक्षिणी। यानी कि छत्तीसगढ़ के अगर हम बात करें तो इसके 5 वर्गीकरण किए। केंद्र में है हमारे लिए केंद्रीय छत्तीसगढ़ी, इस तरफ आती है हमारे लिए पूर्वी छत्तीसगढ़ी, इधर आती है हमारे लिए पश्चिमी छत्तीसगढ़ी, इधर हो गया उत्तरी छत्तीसगढ़ी और ये हो गया हमारे लिए दक्षिणी छत्तीसगढ़ी।
इसके अंतर्गत उन्होंने 42 प्रकार के नामों को संलग्न किया था केंद्रीय छत्तीसगढ़ी में, केंद्रीय छत्तीसगढ़ी जिसमें मानक हिंदी को छोड़कर अन्य बाह्य प्रभावों की सघनता से मुक्त है। तो मैंने पहले बताया कि केंद्र हम छत्तीसगढ़ का उसको मानेंगे जो छत्तीसगढ़ सीमा दायरे को नहीं छूता, यानी कि अगर देखने वाली बात है तो केंद्र स्थल के तौर पर हम किसको लेंगे, केंद्र स्थल के तौर पर अगर देखेंगे तो हमारे लिए वो क्षेत्र जो दूसरे राज्य की सीमा से पूरी तरह से परे है उसे ही केंद्रीय कहा जाएगा। जीएस में आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके, यानी जितने राज्य की सीमा को छूता है उस सीमा को छोड़कर बचा हुआ जो बीच का हिस्सा है वह केंद्रीय छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत आएगा। और इसी में देखा जाए तो हमारे 42 नाम में से 18 नाम को रखा गया जिसके अंतर्गत उन्होंने जातिगत, उसके बाद में स्थानगत, उसको स्थान जो है वो दिया था। और केंद्रीय छत्तीसगढ़ी को छत्तीसगढ़ी में केंद्रीय छत्तीसगढ़ी भी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ के केंद्र को छत्तीसगढ़ी में केंद्रीय छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। पश्चिमी छत्तीसगढ़ी जैसे बुंदेली और मराठी का मिश्रण है तो बुंदेलखंडी और मराठी मिश्रित छत्तीसगढ़ी इसके अंतर्गत आती है, जिसमें देखा जाए तो 4 नाम को रखा गया है, कमारी, खलताही, पनकी और मरारी। और इस पश्चिमी छत्तीसगढ़ी को छत्तीसगढ़ी में बुड़ती छत्तीसगढ़ी कहा जाता है, पश्चिम दिशा को छत्तीसगढ़ी में बुड़ती कहते हैं। तो फिर केंद्रीय में क्या नाम था, कवर्धाई, कांकेरी, खैरागढ़ी, गोरो, गौरिया, छत्तीसगढ़ी, डंचगहा, देवार, धमधी, नांदगई, पारधी, बहेलिया, बिलासपुरी, बैगानी, रायपुरी, रतनपुरी, शिकारी। और केंद्रीय छत्तीसगढ़ी में सबसे पहल करने वाली छत्तीसगढ़ी हम केंद्रीय छत्तीसगढ़ी को मानते हैं। पश्चिम के बाद में अगर देखा जाए तो आती है बारी हमारे लिए पूर्वी छत्तीसगढ़ी की, पूर्वी छत्तीसगढ़ी को हम उगती भी कहते हैं, उदती भी कहते हैं, या इसे उत्ती छत्तीसगढ़ी के नाम से पुकारा जाता है, मतलब कि आपका ईस्टर्न जो छत्तीसगढ़ी है मतलब पूर्वी छत्तीसगढ़ी, पूरी तरह से इसमें उड़िया के प्रभाव वाले छत्तीसगढ़ी को रखा गया है, कलंगा, कालंजिया, चर्मशिल्पी, बिंजवारी, भूलिया और लरिया। और इसमें से प्रमुखता किसे मानी जाती है, लरिया को। छत्तीसगढ़ का नॉर्थन एरिया जिसे भंडार के नाम से पुकारा जाता है, तो छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा को कहते हैं भंडार। अब उत्तर की बात की जाए तो इसमें हमारे लिए उत्तर पश्चिम से बघेली का, पूर्व से अगर देखा जाए तो आपकी भोजपुरी का, थोड़ा सा उत्तर पूर्व से और उरांव के कुछ तत्व देखने को मिलते हैं। तो बघेली, उसी प्रकार भोजपुरी और उरांव के शब्द की बहुलता या बोली से प्रभावित छत्तीसगढ़ी भंडार छत्तीसगढ़ी या उत्तरी छत्तीसगढ़ी कहलाता है, जिसमें 5 नाम है, पंडो, पनकी, सदरी, पंडो है, सदरी, कोरवा, जशपुरी, सरगुजिया और नागवंशी। और इसमें उत्तरी छत्तीसगढ़ी में प्रमुखता रखती है हमारे लिए आपकी कौन सी छत्तीसगढ़ी, सरगुजिया। अब आती है हमारे लिए छत्तीसगढ़ में दक्षिणी, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सा को रक्सहू कहा जाता है या हम इसे रक्सेल के नाम से पुकारते हैं, ठीक है, या इसे रक्सेल कहा जाता है। तो रक्सहो या रक्सेल छत्तीसगढ़ी जो दक्षिण का हिस्सा है। अब देखने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ का दक्षिणी हिस्सा पूर्व से आपके उड़िया से प्रभावित है, पश्चिम से मराठी से प्रभावित है और दक्षिण के आपके गोड़ से प्रभावित है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पश्चिम से मराठी, पूर्व से उड़िया और दक्षिण से गोड़ के तत्वों से प्रभावित छत्तीसगढ़ी आपकी रक्सहू या रक्सेल छत्तीसगढ़ी कहलाती है, जिसमें अधकुरी, चंदारी, जोगी, धाकड़, नाहरी, बस्तरी, महरी, मिर्गानी और हल्बी आती है। और इनमें से प्रमुखता रखती है हमारे लिए हल्बी। और इसी वजह से छत्तीसगढ़ के विविध प्रकार के उपरूप और एकीकरण में उसमें एक सर्वधर्मिता का अभाव व्यक्त देखने को मिलता है। और यही वजह है कि तमाम प्रकार की बोलियां, उपबोलियां विविधता के, क्षेत्रीयता के विविधता में होती है, इसलिए अभी तक इसका मानकीकरण करने में थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिल रहा है कि अभी तक ये थोड़े से पीछे की ओर ही है। तो छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत पूर्वी छत्तीसगढ़ी में अगुवाई करने वाली बोली कौन सी है, कलंगा, कालंजिया, लरिया और भूलिया कहता है। तो कलंगा जो आपके छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में जो व्यक्ति निवास करता है, अगर वो दूसरे राज्य के व्यक्ति से प्रभावित होता है यानी कि कलंगा कह रहा है, तो ये हमारे लिए कबीले में रहने वाले लोग हैं जो मैदानी इलाके में व्यक्ति से संपर्क करते हैं और उड़िया मिश्रित छत्तीसगढ़ी का प्रयोग होता है। कालंजी
बच्चियां जो कंजा और कन्नौजियां ग्वाले हैं, जो दूध का व्यापार करते हैं और मैदानी इलाकों के व्यक्ति से संपर्क होता है, तो उड़िया का मिक्सअप इसमें भी देखने को मिलता है। और राजिम में जो आपका एक शिलाखंड, उसमें लाड़हा शब्द सुनने को मिला होगा, जो लरिया को संबोधित करता है। और इस प्रकार देखा जाए तो भूलिया जो हमारे लिए आपके सराई पाली में बुनकरों के द्वारा होती है, लेकिन ये सब जिसमें उड़िया का प्रभाव है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है आपकी लरिया को। तो पूर्वी छत्तीसगढ़ी, जिसे हम उगती छत्तीसगढ़ी भी कहते हैं, उदती छत्तीसगढ़ी भी कहते हैं, या उसे उत्ती छत्तीसगढ़ी कहा जाता है, और वही है हमारे लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रखती है इसमें लरिया छत्तीसगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तरी छत्तीसगढ़ी में आने वाली बोली नहीं है, उत्तर दिशा को कहा जाता है भंडार छत्तीसगढ़ी। इसमें है सदरी कोरवा, जशपुरी और नागवंशी। तो अभी मैंने बताया कि उत्तर के छत्तीसगढ़ी में हमारे लिए कौन कौन सी है, तो उत्तरी छत्तीसगढ़ी जिस पर बघेली, भोजपुरी और उराव का प्रभाव है। उत्तरी छत्तीसगढ़ी में बघेली का, साथ में आपकी भोजपुरी का, ठीक है, और साथ भी इसमें उराव का प्रभाव देखने को मिलता है। और इस तरह देखा जाए तो हमारे लिए इसमें आपकी कौन कौन सी आती है, तो आपकी उत्तरी छत्तीसगढ़ी में पंडो है, सदरी कोरवा है, जशपुरी है, सरगुजिया है और नागवंशी है, लेकिन उराव जो है यह इसके अंतर्गत नहीं आता है। उराव के तत्व प्रभावित है, पर स्पेशली उराव इसके अंतर्गत बोली में शामिल नहीं है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, बिंझवारी और सतनामी, बिंझवारी सतनामी छत्तीसगढ़ बोली के वर्गीकरण का आधार क्या है? क्या यह स्थानगत प्रभाव है, क्या यह जातिगत प्रभाव है, कि बाह्य भाषा पर आधारित है, या सभी गलत है? तो ये हमारे लिए जाति को प्राथमिकता देते हैं। तो पंडो, पनकी, हल्बी, सदरी कोरवा, इसी प्रकार बैगानी, बिंझवारी अगर कहता है, ठीक है, इसी प्रकार चर्म शिल्पी कहता है, जो जाति विशेष के प्रभाव से है। इसी प्रकार देखा जाए तो हमारे लिए आपके जो शिकारी हैं, है ना, तो ये हमारे लिए जातिगत प्राथमिकता रखने वाली छत्तीसगढ़ी बोली का वर्गीकरण है। छत्तीसगढ़ी बोली का पंचमुखी वर्गण किनके द्वारा किया गया है? भालचंद्र राव तैलंग के द्वारा, कि हीरालाल काव्योपाध्याय के द्वारा, कि नरेंद्र देव वर्मा के द्वारा, कि सुदीप चटर्जी के द्वारा? सबसे पहले क्षेत्रीयता के आधार पर वर्गीकरण सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था, और अब्राहम ग्रियर्सन से प्रभावित होकर भालचंद्र राव तैलंग के द्वारा, उनके द्वारा उन्होंने उसमें था, तो ग्रियर्सन ने इसे 9 भाग में बांटा था। जब ग्रियर्सन ने क्षेत्रीयता के आधार पर वर्गीकरण किया, पर्वत श्रृंखला के आधार पर किया, नद्य को संभागों को प्राथमिकता देकर किया, और उसी प्रकार उन्हें जाति को प्राथमिकता दिया, तो सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने 9 प्रकार का वर्गीकरण किया। बिलासपुरी, कवर्धाई, खैरागढ़ी, खलताही, सरगुजिया, सदरी कोरवा, बैगानी, बिंझवारी, भूलिया और हमारे लिए कलंगा को उन्होंने स्थान जो है वो दिया था। इसी का अनुकरण किया भालचंद्र राव तैलंग ने, जब उन्होंने 1966 में एक किताब लिखी, छत्तीसगढ़ी भत्री बोलियों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, तो उन्होंने पूरी तरह से आपकी खलताही को, लरिया को, सरगुजिया को, सदरी कोरवा को, बैगानी को, बिंझवारी को, भूलिया को और कलंगा को भालचंद्र राव तैलंग ने भी स्थान दिया था। परंतु सुदीप चटर्जी के द्वारा क्या किया गया, कि छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत हल्बी को छत्तीसगढ़ में स्वीकार करने वाले थे स्टेन कोनो, ई ए ब्रेड, ग्लासफोर्ड और विनय मोहन शर्मा। नरेंद्र देव वर्मा भी उस समय इन सभी के बातों का अनुकरण कर रहे थे, लेकिन जो सुनीत चटर्जी थे उन्होंने छत्तीसगढ़ी को मागधी के अंतर्गत रखा था। इस पर उड़िया और भत्री का प्रभाव देखने को मिलता है, और इसलिए देखा जाए तो अंततः जो ग्रियर्सन से प्रभावित हुए थे भालचंद्र राव तैलंग, वैसे ही प्रभाव पड़ा नरेंद्र देव वर्मा पर, कि शिवनाथ नदी को आधार मानकर रायपुर की ओर से हमारे लिए पूर्वी मिश्र आपके जो प्रयोग थे उसको, और बिलासपुर की ओर से जो प्रयोग थे, तो उन्होंने 5 वर्ग में वर्गीकृत कर दिया, और एक माना हमारे लिए केंद्रीय छत्तीसगढ़ी, फिर माना हमारे लिए पूर्वी छत्तीसगढ़ी, फिर माना हमारे लिए आपकी पश्चिमी छत्तीसगढ़ी, एक मानी उन्होंने उत्तरी छत्तीसगढ़ी, ठीक है, और एक माना उन्होंने दक्षिणी छत्तीसगढ़ी, और दिशाओं के आधार पर केंद्रीय को केंद्री और पूर्वी को उत्ती, उदती या उगती, पश्चिमी को बुड़ती, उत्तरी को भंडार और दक्षिणी को रक्सहू या रक्सेल के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कहता है, बुड़ती छत्तीसगढ़ी में अगुवाई करती है
कुमार आपकी कमारी बुढ़ती छत्तीसगढ़ी में अगुवाई करती है कमारी पनकी खलटाही या मरारी। तो छत्तीसगढ़ के पश्चिम को हम कहते हैं बुढ़ती, क्योंकि उगती है जहां पर सूरज उगता है वो पूर्व की दिशा, और बुढ़ता यानी कि डूबता है उसे बुढ़ती के दिशा के नाम से पुकारते हैं, जिसे हम डूबता है तो हम बुढ़ती कहते हैं, इसलिए वो पश्चिम होता है। तो पश्चिमी छत्तीसगढ़ी जिसके अंतर्गत बुंदेली और मराठी का मिश्रण माना जाता है, जिसमें कमारी खलटाही पनको पनकी और मरारी आते हैं, और इसमें से प्रमुखता रखती है हमारे लिए खलटाही छत्तीसगढ़ी। नांदगही रायपुरी छत्तीसगढ़ी किस आधार पर वर्गीकृत बोली है? क्या जाति के आधार पर है, कि स्थान के आधार पर है, कि बाह्य भाषा के प्रभाव पर है, क्या इनमें से कोई नहीं? तो नांदगही रायपुरी जशपुरी कांकोरी बिलासपुरी रतनपुरी अगर कहता है, सरगुजिया अगर कहता है, जशपुरी अगर कहता है ना, नांदगही कवर्धाई कहता है, कांकोरी खैरागढ़ी कहता है, तो ये सभी हमारे लिए अपने राज्य के स्थान को प्राथमिकता देते हैं। अगला क्वेश्चन, कलंगा और भूलिया छत्तीसगढ़ी आधारित है, जाति के आधार पर, कि बाह्य भाषा के आधार पर, कि स्थान के आधार पर, या इनमें से कोई नहीं? तो कलंगा और भूलिया उड़िया मिक्सअप छत्तीसगढ़ी है, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य के अंचल में रहने वाला वह व्यक्ति जब उड़ीसा के क्षेत्र के व्यक्ति के संपर्क में आता है, तो आपके कबीले में रहने वाले संप्रदाय के व्यक्ति जब उड़ीसा राज्य के व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, जिनकी बोली भाषा पर उड़िया का प्रभाव पड़ता है, तो कलंगा छत्तीसगढ़ी के नाम से पुकारा जाता है। इसी प्रकार भूलिया कहा जाए तो उड़ीसा का प्रवेश द्वार जो सराई पाली है, तो बुनकर जाति के व्यक्तियों के द्वारा उड़िया मिश्रित छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। तो कलंगा और भूलिया पर बाह्य भाषा का प्रभाव है, पूरी तरह से हमारे लिए उड़िया के शब्दों का मिश्रण देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9, बघेली भोजपुरी उराव तत्व मिश्रित छत्तीसगढ़ी बोली क्या है? क्या यह पूर्व की ओर प्रभावित है, कि पश्चिम की ओर, कि उत्तर की ओर, या दक्षिण की ओर? तो बघेली भोजपुरी और उराव का मिश्रण जो है वो उत्तरी छत्तीसगढ़ी यानी कि हमारे लिए भंडार दिशा यानी कि उत्तर छत्तीसगढ़ी में इनका मिश्रण देखने को मिलता है। पूर्वी में है आपकी उड़िया, पश्चिम में है मराठी और बुंदेली, तो दक्षिण में है गौर, पश्चिम से मराठी और पूर्व से उड़िया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, रक्सहू छत्तीसगढ़ी में किस भाषा का प्रभाव है, मराठी का, उड़िया का, या गौर का, या सभी? तो छत्तीसगढ़ का दक्षिणी हिस्सा अगर कहते हैं तो इधर से हमारे लिए पूर्व से उड़िया का प्रभाव है, यहां से हमारे लिए आपकी खलटाही का प्रभाव है यानी कि आपकी मराठी का प्रभाव है, और दक्षिण से हमारे लिए ओके आपकी जो तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, वहां से हमारे लिए तेलुगु के गोड का प्रभाव सुनने को मिलता है। इस क्वेश्चन नंबर 10 में आएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तरी छत्तीसगढ़ी में अगुवाई करने वाली बोली निम्न में से है, कलंगा, कलंजिया, चर्मशिल्पी या सरगुजिया? अब देखिए, पूर्वांचल हिस्से में जाति निवास करती है चर्मशिल्पी, चमड़े का काम करती है, उसके पूर्वांचल की तरफ से उसमें भी उड़िया का मिश्रण है, इसलिए ये भी हमारी उड़िया मिक्स है, कलंगा और कलंजिया बता दिया, लेकिन उत्तर में सरगुजिया जो है वो हमारे लिए प्रमुखता रखने वाली बोली है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, रक्सहू छत्तीसगढ़ी की बोली नहीं है, अड़कुरी, चंदारी, जोगी और नागवंशी। तो अड़कुरी, चंदारी, जोगी, धाकड़, नाहरी, महरी, मिर्गानी, बस्तरी और हल्बी कहता है, तो ये रक्सहू छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत आता है, मतलब कि आपके दक्षिण छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर हम नागवंशी की बात करते हैं तो ये उत्तरी छत्तीसगढ़ी यानी कि हमारे लिए किसके अंतर्गत आ जाती है, ये आ जाती है हमारे लिए आपकी भंडार छत्तीसगढ़ी में। बुढ़ती छत्तीसगढ़ी पर किसका प्रभाव है, मराठी का, बघेली का, या बुंदेली का? तो बुढ़ती छत्तीसगढ़ी पर मराठी और बुंदेली का प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, कि भंडार छत्तीसगढ़ी में आने वाली बोली है गोरो, गौरिया, जशपुरी या पनकी? गोरो जो छत्तीसगढ़ से असम के चाय बागान में पहुंचा हुआ व्यक्ति है, जिसके छत्तीसगढ़ी में बांग्ला मिक्सअप हो जाता है, असमिया मिक्सअप हो जाता है, तो गोरो पश्चिम बंगाल में और गौरिया आपके असम में, तो असमिया और आपकी बंगाली मिश्रित छत्तीसगढ़ी जो पूर्वांचल हिस्से से है, और पनकी अगर कहता तो जाति को प्राथमिकता देता है, लेकिन उत्तरी में जशपुर के क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति खुद को जशपुरिया कहते हैं, इसलिए भंडार छत्तीसगढ़ी यानी कि उत्तरी छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत हमारे लिए कौन आता है, जशपुरी आता है। और दक्षिण रक्सहू को क्या कहते हैं, दक्षिण, और बुढ़ती को क्या कहते हैं बेटा, पश्चिम।
ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है केंद्रीय छत्तीसगढ़ी की अग्र प्रयोग वाली छत्तीसगढ़ी निम्न में से कौन है। तो केंद्रीय छत्तीसगढ़ी में प्रथम प्रयोग किस बोली का किया जाता है, रायपुरी का कि कवर्धाई का कि केंद्रीय छत्तीसगढ़ी का कि बिलासपुर का। तो इसके अंतर्गत आती है हमारे लिए केंद्रीय छत्तीसगढ़ी। अगला क्वेश्चन है दक्षिणावर्ती छत्तीसगढ़ी किससे प्रभावित है, दक्षिण के क्षेत्र की छत्तीसगढ़ी किससे प्रभावित है, क्या मराठी से, क्या उड़िया से, क्या गोंड से, या सभी। तो मैंने पहले ही बताया कि पश्चिम की ओर मराठी से प्रभावित है, पूर्व की ओर उड़िया से, और दक्षिण की ओर गोंड से प्रभावित है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी। केंद्रीय छत्तीसगढ़ी किससे प्रभावित है, उड़िया से, मराठी से, या बुंदेली से, या बाह्य भाषा के प्रभाव से मुक्त। केंद्र का स्थल अगर हम माने तो केंद्रीय छत्तीसगढ़ी किसे कहा जाएगा, तो ऐसे छत्तीसगढ़ी जिसका प्रयोग रायपुर जिला के पूर्वी सीमा को छोड़कर उसके पूरे क्षेत्र में होता हो, बिलासपुर जिले के उत्तर पश्चिम सीमा को छोड़कर उसके पूरे क्षेत्र में होता हो, जांजगीर कोरबा जिले के दक्षिण भाग में, रायगढ़ जिले के पश्चिम भाग में, कवर्धा और राजनांदगांव के पूर्वी भाग में, इवन दुर्ग धमतरी और कांकेर जिले में जिसका प्रयोग होता है। तो कहने का मतलब दूसरे राज्य के सीमा को अगर छूता नहीं है तो बाह्य राज्य की भाषाओं की सघनता से जो मुक्त होगा उसे ही केंद्र माना जाएगा, तो उसे हम केंद्रीय छत्तीसगढ़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आता है लिपि। तो क्या छत्तीसगढ़ में लिपि के प्रयोग है, तो यूं तो छत्तीसगढ़ी की स्वयं की कोई लिपि विशेष नहीं है, लेकिन मैंने बताया था कि विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं उन भाषाओं में से लेखन के तौर पर 400 प्रकार की भाषाओं को लिखा जाता है। तो प्रत्येक भाषा के आधार पर अगर देखा जाए तो हम 400 भाषा को लिखने के लिए 40 लिपि का प्रयोग करते हैं, उन्हीं लिपियों में से एक लिपि का प्रयोग छत्तीसगढ़ी को भी लिखने के लिए किया जाता है। हालांकि छत्तीसगढ़ की कोई लिपि विशेष नहीं है, इसलिए देखा जाए तो यह हिंदी को लिखने वाली देवनागरी लिपि का प्रयोग जो है वो करती है। ये देवनागरी जिसका उद्भव ब्राह्मी से हुआ है इसलिए इसका इस्तेमाल ए और बी दोनों, ए और सी दोनों आएगा, क्योंकि खरोष्ठी लिपि जो है वो अरबी फारसी को लिखने के लिए किया जाता है। देखा जाए तो मानव सभ्यता की सबसे बड़ी खोज, मानव सभ्यता की सबसे बड़ी खोज मानी जाती है हमारे लिए आपकी लिपि। कहते हैं जब मनुष्य ने बोलना सीखा था उस समय जब वह लिपियों को जन्म नहीं कर पाया था तो चित्रों के माध्यम से अपनी भावनाओं को भित्तियों में दीवारों पर उकेरा करता था। इस समय चित्रलिपि, चित्रलिपि ऐसी लिपियों के प्रयोग जो है वो किए जाते थे। तो मानव सभ्यता की सबसे बड़ी खोज होने की वजह से लिपि का प्रभाव जो था, लिपि यानी किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो एक आड़ा तिरछा खड़ा वक्र आकार एक सांकेतिक चिन्ह प्रदान करता है उसे लिपि कही जाती है। यानी कि अपने अनुभव को, अपने भावनात्मक पक्ष को, अभिव्यक्ति की आवश्यकता की वजह से रेखा चित्रों में, मूर्तियों में, और आवश्यकता के अनुसार अपने चेष्टाओं को भित्ति चित्रों में जब उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया तो कालांतर में आगे जाकर लिपि का जन्म हुआ। अक्षर ब्रह्म वेद ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए जिस लिपि का जन्म हुआ उसे ब्राह्मी लिपि कहा जाता है। और देखने की बात है कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें भी ब्राह्मी लिपि का प्रभाव देखने को मिलता है। हालांकि ब्राह्मी लिपि के प्रयोग थे पर अगर पढ़ा जाएगा, जैसे कि अगर देखा जाए तो ममे ओ की मात्रा और र पढ़ते हैं तो हम इसे पढ़ते हैं मोर, ठीक है। इसी प्रकार म में ए की मात्रा और या पढ़ते हैं तो हम इसे पढ़ते हैं मैया। इसी प्रकार आधा म, हा और रा लिखते तो इसको पढ़ते हैं महारा। और तीनों में देखिए कि देवनागरी लिपि का प्रयोग है, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ये हमारे छत्तीसगढ़ी को डिफाइन कर रहा है, और मैया मोरी कहकर ब्रजभाषा को डिफाइन कर रहा है, और इसी प्रकार महारा कहकर यह राजस्थानी का इस्तेमाल जो है वो कर रहा है। तो वैसे ही छत्तीसगढ़ के अंदर जो शिलाखंड, प्रशस्ति पत्र और अभिलेख प्राप्त हुए कि दंतावाला देवी जयती पशु अस्थि में लिखा है, पाथर है महाराज दिक्पाल के संस्कृत के बचवैया थोर ही है, ते पाई दूसर पाथर जो महाराज लिए हैं, कसै को हसार भैसा बोकरा मारे, ते कर रकत बह पांच दिन सांपिनी नदी लाल कुसुम बन भय। तो कुल मिलाकर जो हमारे पुराने समय में जो हमारे अभिलेख प्राप्त हुए हैं, प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुए हैं, उन सब में छत्तीसगढ़ी शब्दों का, जैसे कि छत्तीसगढ़ में पटेल
पटेल को पटेल कहा जाता है, दीवान को देवान कहा जाता है, इसी प्रकार देखा जाए तो मिश्रा को मिसिर कहा जाता है। इन सब का प्रभाव जैसे कि बकरी को बोकरा कहना, ठीक है ना, छीता बूंदी कहना, ठीक है ना, भैंसा बोकरा कहना, रकत प्रवाह कहना, ये सभी प्रभाव देखने को मिलता है। तो कहा जाता है कि इसका जो प्राप्ति है, इसकी जो शुरुआत है, वो छत्तीसगढ़ में 5वीं-6वीं सदी से ही प्राप्त हुआ था, और ब्राह्मी से विकसित नागरी लिपि का प्रयोग करने का जो श्रेय है वह सोमवंशी राजाओं को 7वीं और 8वीं शताब्दी में जाना जाता है। तो छत्तीसगढ़ में अगर लिखा जाता है तो ब्राह्मी की देवनागरी के प्रयोग यहां पर किए जाते हैं। इसके साथ साथ दो प्रकार की लिपियां और विकसित थी। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि छत्तीसगढ़ ही में ब्राह्मी और नागरी के साथ किन लिपियों का विकास था? तो कहता है हल्बी और गोड़ी था कि हल्बी और उड़ाव थे, कि हल्बी और सदरी थे, कि हल्बी और मोड़ी थे। तो छत्तीसगढ़ी में ब्राह्मी की देवनागरी के साथ साथ दो प्रकार की लिपियां और विकसित हुई थी, जो थी हल्बी लिपि और गोड़ी लिपि। परंतु प्रचार प्रसार और विकास के उद्भव की कमी की वजह से कुछ समय के बाद में इसका जो अस्तित्व है वो समाप्त हो गया। परंतु 1885 में मुंशी हीरालाल काव्योपाध्याय के द्वारा देवनागरी लिपि में जब छत्तीसगढ़ी बोली का व्याकरण लिखा गया तो उनके मद्देनजर धीरे धीरे साहित्यकारों का रुझान बढ़ने लगा, क्योंकि एक लेखन के लिए लिपि के प्रयोग यहां प्रयुक्त है। इसलिए उस समय की समाचार पत्र पत्रिकाओं में, साहित्यिक रचनाओं में, प्रशासनिक कार्यों के लिए भी देवनागरी लिपि के प्रयोग जो है वो किए जाने लगे थे। लेकिन वागना की हमारी अभी भी छत्तीसगढ़ी में कोई प्रयोग जो है वो मंत्रालयों में नहीं होती। हाँ, कुछ जो आवेदन पत्र दिए जाते हैं, जो आपके कर्मचारियों के द्वारा वो छत्तीसगढ़ी में लिखकर जमा किया जाने के लिए कहा गया है, और इसका पालन 2-3 वर्षों से किया जा रहा है, परंतु 8वीं अनुसूची में अब तक शामिल ना हो पाने की वजह से इसे संवैधानिक दर्जा राजभाषा का मिला नहीं है। दूसरा अगला क्वेश्चन कहते हैं कि छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग कार्यालय स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? क्या 14 सितंबर को, कि 14 जनवरी को, कि 14 अगस्त को, या 14 नवंबर को? अब बारी आती है राजभाषा आयोग। तो जब किसी बोली को एक लिखित रूप दे दिया जाता है और उस बोली को भाषा का दर्जा प्राप्त करवाना होता है, तो एक भाषा से संबंधित राजनीतिक पक्ष का बहुत बड़ा योगदान इसमें देखने को मिलता है। यह जिम्मेदारी एक आयोग के द्वारा निभाई जाती है कि प्रशासनिक कार्यों के लिए अगर किसी भाषा का प्रयोग किया जाएगा तो किस प्रकार के शब्द स्वीकार किए जाएंगे, किन शब्दों को मानक माना जाएगा, और उसे कहा जाता है राजभाषा आयोग। इसकी जिम्मेदारी हिंदी केंद्रीय निदेशालय को हिंदी राजभाषा आयोग के लिए। वैसे छत्तीसगढ़ राज्य जब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से पृथक हुआ, तो उसके बाद 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ के पृथक होने के बाद 28 नवंबर सन 2007 में, यानी आफ्टर 7 इयर्स, है ना, तब यहां पर सर्वसम्मति के द्वारा राजभाषा संशोधक विधेयक 2007 को हिंदी के अलावा छत्तीसगढ़ी को प्रशासनिक कार्य में सम्मिलित करने हेतु एक विधेयक जो है वो आपकी पारित किया गया था। यानी कि प्रशासनिक कार्य के लिए अब तक जो हम हिंदी भाषा प्रयोग करते थे, अब यह सोचा गया कि क्यों ना छत्तीसगढ़ी भाषा को भी प्रशासनिक कार्य का प्रयोग करने हेतु राजभाषा बनाया जाए। तब गठन हुआ हमारे लिए राजभाषा आयोग का, जिसके लिए 14 अगस्त को एक बैठक की गई थी। 14 अगस्त को एक बैठक की गई थी तो 14 अगस्त सन 2008 को 14 अगस्त सन 2008 को एक कार्यालय की बैठक की गई थी, जिसके अंतर्गत राजभाषा आयोग के लिए भाषाविद जो साहित्यिक गतिविधि में योगदान देते हैं, राजनीतिक महापुरुष का प्रभाव और हर प्रकार से व्याकरणाचार्यों को लेकर, यानी कि छत्तीसगढ़ी भाषा को अपना उचित दर्जा दिलाने के लिए उस आयोग के सदस्यों की एक कार्यालय में बैठक की गई थी। इसलिए प्रति वर्ष 14 अगस्त को छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग कार्यालय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। दूसरी बात कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो कार्यालय में बैठक हुई थी, उनमें यह कहा गया, निर्णय लिया गया था कि छत्तीसगढ़ में अब तक जो प्रशासनिक कार्य मध्य प्रदेश के अंतर्गत होने की वजह से, चूंकि मध्य प्रदेश हिंदी क्षेत्र है, इसलिए छत्तीसगढ़ी के प्रभाव भी हिंदी में किया
किए जाते थे, अब हम हिंदी के साथ हम सेकंड लैंग्वेज के तौर पर या फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर छत्तीसगढ़ी के प्रयोग को भी करेंगे। तो राज्य में स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त 2008 को। तो प्रति वर्ष जब 2008 में 14 अगस्त को था, तो 14 अगस्त को हम प्रति वर्ष कार्यालय स्थापना दिवस के तौर पर मनाते हैं, जो छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग कार्यालय स्थापना दिवस है। राजभाषा आयोग के द्वारा संचालित कार्यक्रम क्या है? क्या वह बीजा कार्यक्रम है, क्या शब्द कोश निर्माण योजना है, कि माई कोठी योजना है, या ए और बी दोनों? छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अंतर्गत दो प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें एक है हमारे लिए बिजहा कार्यक्रम और एक है माई कोठी योजना। और ये क्या होते हैं? छत्तीसगढ़ के प्रचलन से बाहर हो रहे शब्दों का जहां संकलन किया जाता है, जहां एक विशेष शब्द कोश बनाया जाता है, उसे हम बिजहा कार्यक्रम कहते हैं। जैसे कि एक किसान आने वाले समय के लिए बीज का भंडारण करता है, ताकि आने वाले समय के लिए उसकी उपयोगिता महसूस ना हो, उनकी कमी महसूस ना हो, उनके पास सुरक्षित रहे। तो छत्तीसगढ़ में आधुनिकता के परिवेश में जो व्यक्ति चला जा रहा है, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के अस्तित्व के अनुसार जो बोली भाषा प्रयोग किए जाते थे, वो प्रचलन से बाहर हो रहे हैं। तो ऐसे करने के लिए लोगों को चौपाल में एक संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है, जहां बड़े बुजुर्गों को बैठा कर उनसे वार्तालाप की जाती है। वार्तालाप को रिकॉर्डेड किया जाता है, और रिकॉर्ड कर लेने के बाद सुनते हैं, और वो शब्द जो आज प्रचलन में नहीं है, उनका सिलेक्शन कलेक्शन किया जाता है, और यहाँ पर राजभाषा आयोग उसे बीजहा कार्यक्रम के नाम से पुकारती है। यानी कि जैसे अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में प्रचलन से बाहर हो रहे शब्दों के संग्रह करने की योजना को बीजहा कार्यक्रम कहते हैं, और इसके अंतर्गत इस राजभाषा आयोग में जो बीजहा कार्यक्रम है, इससे शब्द कोश का निर्माण किया जाता है। इस शब्दकोश के अंतर्गत हम जो डिक्शनरी देखते हैं, छत्तीसगढ़ डिक्शनरी, ये छत्तीसगढ़ ही हमारे लिए आपकी हिंदी से छत्तीसगढ़ ही में होता है। कुछ ऐसा होता है जहां हिंदी इंग्लिश देन छत्तीसगढ़ ही होता है, कुछ ऐसा होता है जो इंग्लिश देन हिंदी देन हमारे लिए छत्तीसगढ़ ही होता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हिंदी से छत्तीसगढ़ ही, हिंदी के बाद छत्तीसगढ़ ही, उसके बाद में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ ही से प्रशासन शब्दों का मेल होता है। इसका प्रकाशन पांडुलिपि प्रकाशन के द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत राजभाषा आयोग का कार्य था कि शोध के कार्य भी दिए गए थे, इसलिए रामचरितमानस जो लिखा गया था तुलसीदास के द्वारा, उसका एक छत्तीसगढ़ी में शोध किया गया था, और उसमें स्मरणीय रूप में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ी बोली को लोकप्रिय बनाने के लिए राजकीय दिशा में कार्य जो है वो किए जा रहे हैं। तो जो इसका विशेष योगदान है, तो छत्तीसगढ़ में जब इस राजभाषा आयोग के द्वारा रामचरितमानस का शोध करने का कार्य दिया गया था, तो गणेश राम राजपूत के द्वारा 352 पृष्ठों में उसको संकलित करके रामचरितमानस का शोध जो है वो किया गया था, जिसे छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के द्वारा प्रकाशित जो है वो करवाया गया था। इस राजभाषा आयोग के द्वारा यह कहा जाता है कि विधायक चाहे तो अपने शपथ ग्रहण समारोह में अपने द्वारा जो शपथ लिया जाएगा वो छत्तीसगढ़ी भाषा में ले सकता है। दूसरा, ठाकरे पत्रकारिता, जो जन संचार है, कुशाभाऊ ठाकरे जो पत्रकारिता का जो एक महाविद्यालय है, उसमें विशेष पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है, जहां छत्तीसगढ़ के समाचार पत्र पत्रिकाओं में छत्तीसगढ़ी बोली को विशेष योगदान दे, तो यही शब्द कोश वहां पर सभी प्रकार का प्रयोग जो है करते, क्योंकि इसके अंतर्गत न केवल छत्तीसगढ़ी के शब्द कोश है बल्कि प्रशासनिक शब्दों का भी संकलन देखने को मिलता है। लेकिन माई कोठी योजना क्या है? छत्तीसगढ़ी भाषा साहित्य पर हो चुके रचनाओं की प्रत्येक रचनाओं की दो दो प्रति, यानी कि दो दो कॉपियों का कलेक्शन करके संकलन करने की योजना माई कोठी योजना कहलाती है। तो छत्तीसगढ़ की प्रकाशित रचना की दो दो प्रति खरीदी जाती है, और छत्तीसगढ़ी साहित्य की रचनाओं को एक जगह संग्रहित किया जाता है, उसे माई कोठी योजना कही जाती है। क्लियर हो गया? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का प्रथम प्रांतीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? रायपुर, भिलाई, बेमेतरा या बिलासपुर? अब ये प्रांतीय सम्मेलन क्या होता है, तो ध्यान से समझेंगे कि प्रांतीय सम्मेलन क्या होता है, कि सभी उद्देश्य
और लक्ष्य को पूरा करने के लिए। तो सबसे पहली बात कि इसका उद्देश्य क्या है और इसका लक्ष्य क्या है। तो सबसे पहली बात, छत्तीसगढ़ी बोली को संवैधानिक अनुच्छेद के अनुसार 8वीं अनुसूची में लिखित रूप में दर्ज कराना, यानी कि छत्तीसगढ़ी बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में लिखित रूप में दर्ज कराना इस राजभाषा आयोग का सबसे पहला उद्देश्य या लक्ष्य है। दूसरा है, शासन के प्रशासनिक कार्यों में इसका इस्तेमाल न केवल मौखिक बल्कि लिखित रूप में किया जाए। तीसरा, त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से प्राथमिक, माध्यमिक और हाई और हायर सेकेंडरी की क्लासेस में जो भाषा के अंतर्गत इसे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। और यही वजह है कि सन 2000 के बाद 2001 और 2 की किताबों को देखेंगे तो हिंदी की पुस्तक के अंतर्गत छत्तीसगढ़ साहित्यिक रचनाओं में छोटी छोटी कहानी, पहेलियां, कविताओं को स्थान देना शुरू किया था। परंतु छत्तीसगढ़ शासन ये कहता है कि विशेष तौर पर एक छत्तीसगढ़ी की किताब होनी चाहिए, जिस तरह हिंदी की किताब है वैसे ही छत्तीसगढ़ी की किताब होनी चाहिए। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, इन सभी को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ी बोली भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक जिले में एक प्रांतीय सम्मेलन की शुरुआत हुई। जैसे हिंदी साहित्य सम्मेलन की शुरुआत हुई थी, हिंदी भाषा का प्रांतीय सम्मेलन हुआ था, वैसे ही दिवंगत हो चुके साहित्यकार जिन्होंने छत्तीसगढ़ी बोली भाषा के साहित्य पर अपना योगदान दिया है उनको ध्यान में रखते हुए उनके याद में और छत्तीसगढ़ी भाषा के योगदान को विशेष तौर पर बढ़ाने के लिए उनको समर्पित करते प्रांतीय सम्मेलनों की शुरुआत की गई थी। इसमें सबसे पहला प्रांतीय सम्मेलन है जो भिलाई में आयोजित किया गया था और समय था 23 से 24 फरवरी 23 और 24 फरवरी 2013 को, यानी कि 23 और 24 फरवरी 2013 को सबसे पहला प्रांतीय सम्मेलन है जो भिलाई में किया गया था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि 24-25 फरवरी 2014 को रायपुर में दूसरा प्रांतीय सम्मेलन किया गया था। क्लियर हो गया। अब आता है अगला क्वेश्चन कि तीसरा प्रांतीय सम्मेलन किस साहित्यकार को समर्पित था। पालेश्वर प्रसाद शर्मा को, कि विमल पाठक को, कि दानेश्वर वर्मा को, या श्यामलाल चतुर्वेदी को। तो तीसरा प्रांतीय सम्मेलन जो 20-21 फरवरी 2015 को बिलासपुर में किया गया था, ठीक है ना, कहां किया गया था, आपके बिलासपुर में, ठीक है, कब किया गया था, बिलासपुर में किया गया था आपका, जो था हमारे लिए आपका 20 और 21 फरवरी, ठीक है ना, 20 और 21 फरवरी 2015, ठीक है, 20 और 21 फरवरी 2015 को बिलासपुर में तीसरा प्रांतीय सम्मेलन किया गया था। और जैसे कि मैंने बताया कि साहित्यकारों को समर्पित किया गया था और यह जो समर्पण किया गया था यह पालेश्वर प्रसाद शर्मा की स्मृति में था। तो स्वर्गीय पालेश्वर प्रसाद शर्मा की स्मृति में तीसरा प्रांतीय सम्मेलन को 20 और 21 फरवरी 2015 में बिलासपुर में संपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन, मानद छत्तीसगढ़ी व्याकरण और छत्तीसगढ़ी शब्दकोश समिति के सदस्य कौन है। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे हैं, कि डॉक्टर चितरंजन कर है, या डॉक्टर अनिल भतपहरी है, या सभी। तो कहने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग जिसका जन्म कब हुआ, तो कहा जाता है कि 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ तो 28 नवंबर 2007 को विधानसभा ने सर्वसम्मति के द्वारा राजभाषा संशोधन विधेयक पारित किया जिसमें कहा गया कि छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक कार्य हिंदी के साथ छत्तीसगढ़ी भाषा में किए जाने चाहिए या छत्तीसगढ़ी भाषा में भी मान्य होगा। 11 जुलाई 2008 को छत्तीसगढ़ी राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था। इस हेतु छत्तीसगढ़ी भाषा को राजभाषा का दर्जा के साथ उसके प्रचलन करने के लिए उसके उपयोग और उसके उद्देश्य के संबंध में राजभाषा आयोग की स्थापना की गई थी जिसका 14 अगस्त 2008 में पहली बैठक हुई। इसलिए प्रतिवर्ष 14 अगस्त को हम कार्यालय स्थापना दिवस के तौर पर मनाते हैं। छत्तीसगढ़ के जो प्रयोग हैं तो राजपत्र में 2 सितंबर 2010 को यह राजभाषा अधिनियम जो है छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। भाषिक विकास के योगदान देने वाले यशस्वी साहित्यकारों को सम्मानित करने हेतु इसके प्रचार प्रसार के लिए यह सम्मान प्रदान किया जा रहा है जो 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो हम राजभाषा दिवस के तौर पर मनाते हैं उस साहित्यकारों की स्मृति में
हम सम्मान जो है वो देते हैं। तो मानक छत्तीसगढ़ी व्याकरण और आपके छत्तीसगढ़ी शब्दकोश, तो छत्तीसगढ़ी भाषा को मानकीकरण करने के लिए एक समिति का आयोजन जो है वो किया गया है, जिसका नाम है मानक छत्तीसगढ़ी व्याकरण और छत्तीसगढ़ी शब्दकोश, जिसके अंतर्गत जो राजभाषा आयोग बीजहा कार्यक्रम के अंतर्गत जो शब्द लेकर आ रही है उन्ही शब्दों को मानकीकृत किया जाता है। मानकीकरण क्या होता है? जब कोई बोली एक मानक रूप धारण कर लेती है, जिसका प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को छोड़कर दूसरे के लिए ग्रहण करने योग्य बन जाती है, तब उसे मानक रूप कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ी का मानकीकरण करने के लिए छत्तीसगढ़ी शब्दकोश में मानक रूप उसको स्वीकार किया गया। इसलिए छत्तीसगढ़ अंचल के अंदर बेटा ध्यान रखिएगा कि हर क्षेत्र में एक ही शब्द को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। लाइक लोमड़ी, लोमड़ी कहें तो कुछ लोग उसे फेकारी कहते हैं, कोई खेखरनी कहता है, कोई कोलिहा कहता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि शासन के शब्दकोश के अंतर्गत उसके लिए जो नाम मानक माना गया है हम उसे ही लिखेंगे। क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ी में अलग अलग पर्यायवाची है, जैसे कि आलसी व्यक्ति को गलियार भी कहते हैं, कोढ़िया भी कहते हैं, ठीक है, कोई उसे अजगर कहता है, कोई उसे बैठांगुर कहता है ना, कोई उसे मुरपेलवा कहता है, ठीक है ना, तो कोई उसे आपके लफंगा कह देता। कुल मिलाकर देखने वाली बात है कि जो शासन जो मानक करेगी हम उसे ही स्वीकार करेंगे। और इसी समिति में बहुत से भाषाविदों को स्थान दिया गया है। इन भाषाविदों में कौन कौन है? डॉक्टर केशारी लाल वर्मा हैं, डॉक्टर अनिल भटपहरी जी हैं, डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी हैं, डॉक्टर बिहारी लाल साहू हैं, डॉक्टर पद्मश्री सुरेंद्र दुबे हैं, डॉक्टर चितरंजन कर हैं, सिकंदर खान उर्फ बाबा जोकाल हैं। उसी प्रकार देखा जाए तो डॉक्टर मंगत रवींद्र, डॉक्टर सुधीर शर्मा, डॉक्टर कुसुम माधुरी टोप्पो और गीतेश अमरोहित जी, डॉक्टर गीतेश अमरोहित जी हैं, यानी कि इस मानकीकरण समिति के सभी सदस्य हैं। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जब राजभाषा आयोग का गठन किया गया था तो बिलासपुर में भी रायपुर प्रेस क्लब के द्वारा 2007 में कथाकार, कलमकार और आपके साहित्यकार और पत्रकार जैसे बुद्धिजीवियों को लेकर समाज सेवी संगठनों के द्वारा छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच बनाया गया था, जिसका उद्देश्य था सामाजिक जागरण के साथ साथ प्रशासनिक कार्य के लिए सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर छत्तीसगढ़ के प्रचार और प्रसार को बढ़ावा देना। इसी में छत्तीसगढ़ राजभाषा मंच का पुनर्गठन किया गया, जिसके संयोजक वर्तमान में वैभव बेमितरिया को माना जाता है और संस्थापक के तौर पर, उसके संरक्षक के तौर पर हमारे लिए नंदकिशोर शुक्ल जी को माना जाता है। और इसी तरह छत्तीसगढ़ के अंदर जो आपके राजभाषा आयोग थे उसके प्रथम अध्यक्ष बने थे आपके पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी 2008 से 2011 तक। उसके बाद द्वितीय थे पंडित आपके दानेश्वर प्रसाद जो थे 2011 से 2013 तक, और लास्ट में माना जाता है विनय पाठक जी को जो थे हमारे लिए 2013 से अब तक के समय में। अभी तक अपडेट नहीं है कि वो वर्तमान समय में कौन इसका अध्यक्ष है, परंतु सचिव के पद पर हमारे लिए थे डॉक्टर आपके पद्मश्री सुरेंद्र दुबे, और वर्तमान में कहा जाता है कि डॉक्टर अनिल भटपहरी जी उसमें सचिव के पद पर कार्यरत है। तो मानक छत्तीसगढ़ी व्याकरण और छत्तीसगढ़ी शब्दकोश में सभी सदस्य उनके सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन, प्रचलन से बाहर हो रहे शब्द के संग्रह की योजना क्या कहलाती है? माई कोठी योजना या शब्दकोश योजना या बिजहा कार्यक्रम या शब्दकोश निर्माण योजना? तो मैंने पहले ही बताया कि उसे बिजहा कार्यक्रम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के लिए कौन सा कथन गलत है? फिल्म जगत में अपनी पहचान दर्ज कराना, संविधान की 8वीं अनुसूची में लिखित रूप से अपना दर्ज कराना, प्रशासकीय कार्यों के संपादन में प्रयोग किया जाए और त्रिभाषा सूत्र स्वरूप पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। फिल्मी जगत में इन्होंने नाम कमाया है जरूर, YouTube चैनल के माध्यम से, फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रचार और प्रसार छत्तीसगढ़ अंचल से बाहर हो रहा है, परंतु राजभाषा आयोग का यह उद्देश्य कि फिल्म जगत में अपना नाम कमाना नहीं है, बल्कि ये तीनों राजभाषा आयोग का मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कहता है? छत्तीसगढ़ी भाषा शोध संस्था की स्थापना कब की गई थी? 1955 में रायपुर में,
या 1966 में बिलासपुर में, या 1945 में रायगढ़ में, या 1978 में राजनांदगांव में। तो छत्तीसगढ़ी भाषा शोध संस्था की स्थापना 1955 में रायपुर में की गई थी। सोचिए, आजादी से के मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के पृथक होने से पहले ही छत्तीसगढ़ी बोली भाषा पर कार्य जो है वो शुरू हो चुके थे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? 14 सितंबर 2008 को, या 14 अगस्त 2008 को, या 14 नवंबर 2007 को, या 11 जुलाई 2008 को? तो मैंने अभी बताया कि छत्तीसगढ़ में जो ये अधिनियम है वो कब पारित हुआ था, 11 जुलाई 2008 को पारित किया गया था। तो 11 जुलाई 2008 को छत्तीसगढ़ी राजभाषा अधिनियम पारित हुआ, जहां राजभाषा के दर्जा के साथ उसका प्रचलन, उसका उपयोग के उद्देश्य से राजभाषा आयोग की स्थापना जो है वो की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा अधिनियम छत्तीसगढ़ी राजपत्र में कब प्रकाशित किया गया था? 2 सितंबर 2010 को, या 14 अगस्त 2010 को, या 11 जुलाई 2008 को, या 28 नवंबर 2009 को? मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के जो आपके अधिनियम थे, छत्तीसगढ़ी राजपत्र में 2 सितंबर 2000 को प्रकाशित किया गया था। और इस तरह छत्तीसगढ़ी भाषा के अंतर्गत लिपि और आपके जो प्रयोग है वो आपके पूरे कंप्लीट होते हैं। और 29 क्वेश्चन के माध्यम से मैंने छत्तीसगढ़ भाषा की बोली का वर्गीकरण पूरा डिटेल में बता दिया, साथ ही मैंने छत्तीसगढ़ की लिपि बता दी, राजभाषा आयोग के उद्देश्य, उसकी स्थापना, कार्यालय, स्थापना दिवस और तमाम प्रकार के पक्ष को मैंने पूरा किया है। यहां से आपके टॉपिक जो है वो कवर होते हैं। क्या इसी तरह छत्तीसगढ़ी से संबंधित और चीजों को जानना है तो हम इसका इंतजार क्यों करें। प्रत्येक सप्ताह सोमवार को 3 बजे जो लैंग्वेज मंत्रा आती है उसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ी भाषा में नए टॉपिक के साथ मैं फिर से आपके साथ एक बार रूबरू होऊंगी। तो यूं ही मेरे साथ बने रहें। अब तक मेरे साथ जुड़े रहने के मेरे सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच, लव यू एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल माय बच्चा।